हाय एवरीवन, टुडे आई एम डिस्कस अबाउट लाइट इमिटिंग डायोड एंड एडी। यदि एक क्या आपका पीएन जंक्शन डायोड ही है। देखिए क्या होता है आपका लाइट इमिटिंग डायोड। देखो इट इज हैवीली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड होता है। ये क्या होता है, सबसे पहले इसके इंट्रो पर जाते हैं, आपका इंट्रोडक्शन पर। हैवीली क्या होता है, डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड होता है व्हिच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी द डायोड इमिट्स। ये क्या करती है, आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है किसमें, लाइट एनर्जी में, लाइट एनर्जी, ठीक है। इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। द डायोड इमिट्स स्पॉन्टेनियस रेडिएशन। ये डायोड क्या करता है, रेडिएशन को इमिट करता है अंडर फॉरवर्ड बायस, यानी अंडर फॉरवर्ड बायस के अंदर। फॉरवर्ड बायसिंग हम पढ़ चुके हैं, अंडर फॉरवर्ड बायस के अंदर क्या करता है ये लाइट क्या करता है, इमिट करता है, ठीक है। अंडर फॉरवर्ड बायस यानी रेडिएशन इमिट करता है। द डायोड इज कन्वर्ट इन ए ट्रांसपेरेंट कवर, यानी डायोड जो कवर होता है, द डायोड इज कवर्ड इन ट्रांसपेरेंट कवर के अंदर होता है, ठीक है। इसे सो द इमिटेड लाइट मे बी कम्स आउट इट्स सिंबल्स। देखो इसका सिंबल कुछ इस टाइप का है, ये क्या है इसका सिंबल है। ये क्या करते हैं, आपके लाइट को इमिट करते हैं, ये पी और एन, ये लाइट को क्या करते हैं, इमिट करते हैं। इसे हम कहते हैं लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। अब देखो ये क्या करता है, पीएन संधि क्या होता है, पीएन जंक्शन डायोड होता है जो फॉरवर्ड बायस के जाने पर ही ये रेडिएशन को इमिट करता है, अर्थात हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें, लाइट एनर्जी में। प्रिंसिपल पर चलते हैं, तो प्रिंसिपल क्या होगा, यही पढ़ चुके हम प्रिंसिपल। देखो प्रिंसिपल्स, ये पी एन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस किया जाता है, तो इसमें क्या होता है, एन जो एन टाइप जो सेमीकंडक्टर है, एन जो फील्ड है उसमें चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, एन जो है एन फील्ड में चार्ज कैरियर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, मेजोरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होते हैं। एन फील्ड में मेजोरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स और पी फील्ड में मेजोरिटी चार्ज कैरियर होल होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, जंक्शन की ओर क्या होते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं। तो जंक्शन पर इलेक्ट्रॉन और होल का क्या, रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, जो क्या करते हैं, रिकम्बाइंड होते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन है हाई एनर्जी वाले बैंड में तथा जो होल जो होते हैं लो एनर्जी बैंड में स्थित होते हैं। तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, रिकम्बाइंड करने की प्रोसेस करते हैं। तो इसमें जो एनर्जी डिफरेंस होता है, एनर्जी डिफरेंस का कुछ पार्ट रेडिएशन के रूप में क्या होता है, आपका इमिट होता है। एनर्जी डिफरेंस का कुछ पार्ट क्या होगा, आपका रेडिएशन के रूप में इमिट होगा, ठीक है। इसमें जो जर्मेनियम और सिलिकॉन जो जंक्शन है, इससे जो जर्मेनियम और सिलिकॉन जंक्शन की बात करते हैं, ये रेडिएशंस का अधिकांश भाग इसमें, इसके रेडिएशन का हमें अधिकांश जो पार्ट मिलता है इंफ्रारेड रीजन में मिलता है, ठीक है। यानी ये क्या होता है, आपका इमिटेड जो रेडिएशन होता है सफिशेंट हम देख भी सकते हैं इंफ्रारेड रीजन में होता है। देखो इसकी डोपिंग भी कम होती है। अब देखिए इसके डायग्राम सिंपल तो ये है, और ये वर्क कैसे करता है, कंस्ट्रक्शन मीन्स कैसे कंस्ट्रक्ट बना होता है। देखिए कंस्ट्रक्शन क्या होता है, अभी वर्किंग की ओर पढ़ते हैं। ये क्या है कंस्ट्रक्शन, देखो ये क्या होता है, पीएन जंक्शन डायोड के एंड्स जो फील्ड है वो मेटल के संपर्क में बना लेते हैं, और जो पी फील्ड है मेटल के बाहरी। देखो ये फॉरवर्ड बायस होता है, सबसे पहले कैसे वर्क करता है, वर्किंग भी बता रहे हैं इसी के अंदर। देखो ये क्या है, आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर है और एन टाइप सेमीकंडक्टर है, ये पी है और ये एन है, ये पी है, पर
लिख देता हूँ, ये पी टाइप है और ये एन टाइप है। ये बीच में क्या होती है, डिप्लेक्सर लेयर होती है। क्या होती है? डिप्लेक्सर लेयर, यानी शॉर्टेज ऑफ चार्जेस भी होते हैं। ये क्या होती है आपकी डिप्लेक्सन लेयर, यानी यहां पर क्या होती है शॉर्टेज ऑफ चार्ज की, चार्ज का शॉर्टेज रहता है। और हम कब होता है इसको, हम जब फॉरवर्ड बायस में काम करता है इसको, जब हम पी टर्मिनल को पॉजिटिव और एन को नेगेटिव टर्मिनल से ऐड करते हैं। देखो इसमें होता क्या है, पी टाइप जो सेमीकंडक्टर होता है उसमें मेजोरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं आपके, होल होते हैं, और एन टाइप में क्या होते हैं, मेजोरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और डिफ्लेक्शन लेयर क्या है, इसमें क्या होता है शॉर्टेज ऑफ चार्जेज होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है आपका शॉर्टेज ऑफ चार्जेज। जब हम क्या करते हैं, ये क्या होती है आप, जब हम इसको क्या करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल से इसको नेगेटिव टर्मिनल से ऐड करते हैं तो ये फॉरवर्ड बायस होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है आपका पी और एन टाइप, अगर हम इसको ऐड करते हैं तो इस पर पॉजिटिव पोटेंशियल नेगेटिव पोटेंशियल, यानी ये पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करते हैं, होल इस बैटरी के टर्मिनल के साथ क्या होते हैं आपके, सॉरी इस बैटरी के टर्मिनल से रिपल्सिव फोर्स इधर को भागते हैं और इलेक्ट्रॉन्स इधर को भागते हैं। तो यहां पर क्या होता है, डिप्लेक्शन लेयर क्या करती है, श्रिंक करने लगती है ताकि इसमें क्या हो, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या करे, कंडक्ट करे। तो यहां पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे करेगी, अब देखो यहां पर एक चीज और है, इसमें क्या होता है आपका, जैसे ही हम डोपिंग करते हैं ना, इसमें क्या होता है हाई कंसेंट्रेशन डोपिंग की जाती है। जब फॉरवर्ड बायस होती है इसमें हाई कंसेंट्रेशन डोपिंग की जाती है। अब ये होती क्या है, देखो यहां पर हम क्या करते हैं, हाई कंसेंट्रेशन डोपिंग मींस जो आपकी क्या होती है, देखो हायर एनर्जी ये क्या होती है आपका कंडक्शन बैंड होता है और ये क्या होता है आपका वैलेंस बैंड होता है, ठीक है। देखो जैसे ही हम एनर्जी देती हैं तो इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां तक एक्साइट होती है, यानी जैसे ही हम एनर्जी देते हैं बैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है, ये फॉरबिडन बैंड या एनर्जी गैप भी कहते हैं इसको। जैसे ही हम एनर्जी देते हैं, जैसे ही हम एनर्जी देते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां चले जाता है, कंडक्शन बैंड में चले जाता है। कंडक्शन बैंड में जाता है तो क्या होगा आपका, इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में गया तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन दोबारा इसी स्टेट में लाने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जितनी एनर्जी इतना ऊपर जाने में लगा, जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी, ये इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में गई, उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स एनर्जी रिलीज करेगा तभी ये अपनी ओरिजिनल स्टेट में आएगा। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज करता है तो इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी रिलीज करता है। ये बोहर्स सेकंड पोस्टुलेट भी है, यानी ये इलेक्ट्रॉन्स जब इस, ये क्या है लोअर एनर्जी लेवल होता है और ये क्या है आपका हायर एनर्जी, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है आपको, जब एक्साइट होता है तो कंडक्शन बैंड में जाता है, कुछ टाइम के बाद ये क्या होता है एनर्जी रिलीज करेगा तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन, जो एनर्जी रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी रिलीज करता है। कुछ रेडिएशन हमें दिखाई देता है, कुछ नहीं दिखाई देता है, और ये कौन सा रेडिएशन दिखाई देगा हमें, वो रेडिएशन यानी कौन सी रेडिएशन हमें दिखाई देती है, तो इस पर क्या है आपका, जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन्स को हम नहीं लेते हैं, यहां पर हम लेते हैं क्या गैलियम फॉस्फाइड, गैलियम फॉस्फाइड की डोपिंग करते हैं और गैलियम आर्सेनाइड, आर्सेनाइड फॉस्फाइड की डोपिंग करते हैं, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड की डोपिंग करते हैं, ठीक है, जबकि जर्मेनियम और सिलिकॉन की नहीं करते हैं। देखो हमें क्या चाहिए, ये कंडक्शन बैंड है और ये ऑर्बिटल एनर्जी गैप है, हमें कब चाहिए, जो इलेक्ट्रॉन यहां से एक्सट्रैक्टेड हो रहा है इसकी एनर्जी को पार करना पड़ेगा ना आपको, तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहां जा रहे हैं, तो इस जर्मेनियम और सिलिकॉन्स के पास जो एनर्जी बैंड या फॉरबिडन बैंड एनर्जी, एनर्जी गैप जो एनर्जी है, एनर्जी गैप है वो क्या है आपका, ये 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या है छोटा है,
तो जो जिसकी एनर्जी फॉरवर्ड एंड बैंड जो एनर्जी है, एनर्जी गैप यानी एनर्जी गैप जो है वो 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या है, कम है जर्मेनियम और सिलिकॉन का, तभी हम इसकी डोपिंग नहीं करते हैं। देखो क्यों नहीं करते हैं, देखो इससे क्या होता है, हमारे यहाँ पर हम एक क्या करते हैं, मेटल का एक ट्रांसपेरेंट मीडियम लगा लेते हैं ताकि यहां से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन इमिट होते, जो रेडिएशन इमिट होगा तो इससे बाहर निकलता है। ट्रांसपेरेंट मीटर या बल्ब लगाते हैं तो बल्ब यहाँ की ओर चले जाता है। तो यहां पर क्या होगा, आपका एनर्जी गैप क्या होना चाहिए, आपका एनर्जी गैप जो होना चाहिए 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या कहीं कहीं 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होने चाहिए, तभी ये क्या होगा, आपका एनर्जी गैप कितना होना चाहिए, 1.8 इलेक्ट्रॉन। तो जर्मेनियम और सिलिकॉन में नहीं होती है तो हम यहां पर ऐसी डोपिंग करते हैं, गैलियम फॉस्फाइड और गैलियम आर्सेनिक फॉस्फाइड, जिसकी एनर्जी गैप क्या होती है आपकी, इससे ज्यादा होती है 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। तो क्या होगा, इससे हम कहेंगे हाई कंसेंट्रेशन डोपिंग। हाई कंसेंट्रेशन डोपिंग मीन्स यहां पर क्या होगी आपकी, तो क्या होगा, यहाँ पर चार्ज कैरियर्स इंक्रीज होंगे, यानी यहाँ के चार्ज यहाँ आएंगे, यहाँ के चार्ज यहाँ आएंगे, तब क्या होंगे, ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर बन रहे हैं। इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्या होंगे, एक दूसरे में ज्यादा से ज्यादा रिकम्बाइंड होंगे, वैसे तो हो रहे होंगे इलेक्ट्रॉन्स। देखो नॉर्मल कंडीशन में भी इसके इलेक्ट्रॉन्स और इसके होल क्या हो रहे हैं, रिकम्बाइंड हो रहे होंगे, लेकिन कम मात्रा में हो रहे होंगे, तब हम क्या करते हैं, हाई कंसेंट्रेशन डोपिंग करते हैं। तो हाई कंसेंट्रेशन डोपिंग करेंगे तो अधिक से मात्रा में होंगे, तो उस टाइम जो एनर्जी गैप है 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होना चाहिए। एक फॉर्मूला पढ़, देखो यहां पर पी टाइप क्या है, पी टाइप सेमीकंडक्टर जो है आपका, इसमें हम ट्राइवेलेंट की क्या करते हैं, डोपिंग करते हैं, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री, और एन टाइप में क्या करते हैं, पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी की डोपिंग करते हैं, जिसमें होल और इलेक्ट्रॉन पेयर बनते हैं, दोनों में बनेंगे। लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा, हाई कंसेंट्रेशन की बात करते हैं। हाई कंसेंट्रेशन क्यों करते हैं, वैसे रिकम्बाइंड तो होते हैं इलेक्ट्रॉन और होल, लेकिन हम हाई कंसेंट्रेशन ज्यादा से ज्यादा करना चाहेंगे तो यहाँ से क्या होगी, रेडिएशन बाहर निकलेगा, यहाँ बल्ब होगा जो हमें दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक रूल है जो फॉरबिडन गैप या एनर्जी गैप, फॉरबिडन बैंड या एनर्जी गैप, एनर्जी 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होना चाहिए, यानी जो एनर्जी बाहर निकलती है ई क्या होती है, एच न्यू के उसमें होती है। तो न्यू क्या है, आपकी फ्रीक्वेंसी है ई पास एच। देखो यहां से न्यू क्या आई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई आई, क्या आई, न्यू क्या आई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। देखो यहां पर जो भी रेडिएशन इमिट होगा तो हमें कैसे दिखाई देता है आपका, जो कुछ इंफ्रारेड होता है जो हमें दिखाई नहीं देता है, जैसे एलईडी में हमें क्या होगा आपका, कुछ रेडिएशंस का 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा एनर्जी गैप है तो वही रेडिएशंस हमें दिखाई देगा वो भी डिफरेंट कलर्स में, जैसे जैसे हम पढ़ते हैं वी आई बी जी वाई ओ आर, ये कलर दिखाई देते हैं हमें, क्योंकि यही कलर हमारी क्या करते हैं, आंखें सेंस कर पाती है और इससे इंफ्रारेड भी निकलती है, तो ये कलर सेंस कर पाते हैं, तो इस कलर की हम एलईडी फैन बना सकते हैं। देखो पहले देखा होगा आपने, कब, जब ये एनर्जी गैप क्या होगा, ज्यादा होगा, तभी हम जर्मेनियम और सिलिकॉन नहीं लेते हैं, उसमें एनर्जी गैप क्या होता है, इससे कम होता है, तो ये एनर्जी गैप कितना होना चाहिए, 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होने चाहिए, तभी हमें उसके करेस्पॉन्डिंग रेडिएशन या उसके करेस्पॉन्डिंग उस फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन दिखेगा जो विजुअल रेंज में आता है। तो इस विजुअल रेंज की लाइट क्या होती है, इमिट होती है इस डायोड से। तो हम देखते हैं एलईडी, एलईडी क्या बनती है, डिफरेंट कलर की बना सकते हैं हम, इस वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड कलर की भी बना सकते हैं। देखो पहले हम क्या हुआ करता था, जो आपकी डिफरेंट कलर्स की लाइट बनाई जाती थी उसमें हम पन्नी लपेट देते थे या उसमें कैपिंग कर देते थे, जैसे दीपावली के सीजन में हम क्या करते हैं, झालर यूज करते हैं, तो उसमें क्या होती थी, हम लाइट नहीं बना सकते थे। तो जब से एलईडी आई तो हम डिफरेंट कलर्स के लाइट को हम यूज कर रहे हैं, कब, उसकी फ्रीक्वेंसी के करेस्पॉन्डिंग, उसकी एनर्जी फॉरवर्ड गैप एनर्जी के करेस्पॉन्डिंग, ये क्या है, न्यू अलग है, एनर्जी अलग है, तो फ्रीक्वेंसी अलग है, फ्रीक्वेंसी अलग होती है, हर कलर की फ्रीक्वेंसी और एनर्जी अलग होगी, तो इस टाइप से हम अलग अलग कलर की लाइटें बना सकते हैं। पहले हुआ करता था क्या, पहले एक ही क्या थी,
जैसे झालर होते थे उसमें कैपिंग कर देते थे, पन्नी बना देते थे तो डिफरेंट कलर की लाइटें बना देती। लेकिन अब एलईडी से हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग लाइटें बना सकते हैं, इसमें कोई कैपिंग करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, एनर्जी गैप गैलियम आर्सेनाइड तभी विजुअल रेंज में नहीं आएगा, इंफ्रारेड रेंज में आएगा। अब देखो इसके यूज कहां कहां पर होते हैं एलईडी के, यूज ऑफ एलईडी। तो पहला यूज है लो ऑपरेशनल वोल्टेज है, यानी कम वोल्टेज पर हम इसका यूज कर सकते हैं। लो ऑपरेटिंग वोल्टेज यानी पावर बहुत कम क्या करती है, कंज्यूम करती है। ठीक है, फास्ट एक्शन करता है। देखो दूसरा क्या है, ये फास्ट क्या करते हैं, एक्शन करते हैं। ठीक है, एलईडी क्या करती है, फास्ट एक्शन करते हैं। पहले हम बल्ब यूज करते थे वो फास्ट एक्शन नहीं करते थे, क्योंकि जब फिलामेंट गर्म होता था तभी वो ग्लो होता था, लेकिन ये फास्ट क्या करते हैं, एक्शन करते हैं। इनकी बैंडविड्थ क्या होती है, छोटी होती है। लो क्या होती है, बैंडविड्थ होती है। और नेक्स्ट क्या होगा आपका, लॉन्ग लाइफ होती है। देखो इसकी क्या होती है, लॉन्ग लाइफ होती है, यानी बल्ब के कंपेयर में। देखो इसमें क्या होती है, ना टूटता है ना खराब होता है, सिर्फ इसके रेक्टिफायर ही हम चेंज करते हैं। तो क्या होता है आपका, इस एलईडी के जो भी होती है लॉन्ग लाइफ होते हैं, और फास्ट ऑन ऑफ क्या होते हैं, स्विचिंग होती है इसकी, फास्ट ऑन ऑफ स्विचिंग होती है, फास्ट ऑन ऑफ स्विचिंग होती है। ये क्या है हमारी आपकी लाइट इमिटिंग डायोड।